हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा की रसोई। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मसाला सहजन रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार इस रेसिपी को बना के देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये सुपर टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 से 9 सहजन की फलियाँ, और सहजन की फलियों को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से लंबाई या छोटा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगभग 2 इंच करके इस तरीके से कट कर लिया है। इसको अच्छे से कट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से इसको हम छील लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बीच में से कट कर लेंगे और इसके जो बीज है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जब सहजन की फलियां बड़ी हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं तो इसमें बीज आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीज को भी खा देते हैं, पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि बीज में कीड़े भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सारे सहजन की फलियों को इस तरीके से छील के कट करके मैंने सारे का बीज निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से धो लेंगे और एक कढ़ाई में डालेंगे, और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद हम गैस को ऑन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक के मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। आप इसे एक बार बीच में चेक कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में एक बार चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि ये जो हमारे सहजन की फलियां पकी है कि नहीं। तो ये जो हमारे सहजन की फलियां हैं, ये थोड़ी सी बाकी थी पकने में, तो मैंने क्या किया, फिर से ढक के इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेक कर लेंगे। तो ये हमारे सहजन की फलियां वो अच्छे से पक गई है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई को फिर से धो के अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच 5 फोड़न और 1 सूखी लाल मिर्च, और 5 फोड़न और मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से बारीकी से काट लिया था। अब हम प्याज को मध्यम आंच पे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 छोटी साइज की कटी हुई टमाटर। मैंने टमाटर को सिर्फ 2 भागों में काटा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच अदरक का टुकड़े का पेस्ट बना लिया था। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक, और मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काली सरसों का पेस्ट। आप चाहे तो पीली वाली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी में सरसों डालना बहुत ही जरूरी है, सरसों डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सरसों को भी 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे उबाली हुई सहजन, और सहजन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सहजन को मसालों के साथ लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेना है। इससे क्या होगा कि इसका जो पानी है वो पानी भी सूख जाएगी, और ये जो हमारी सब्जी है वो बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सहजन की सब्जी आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।